हे गाइस, व्हाट्सअप, हाउ आर यू? आई होप कि आप ठीक होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं PQRS यानी कि प्लासर क्विक रिलेइंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, ये जो मशीनें जा रही है ये PQRS मशीन है। इसका पूरा नाम प्लासर क्विक रिलेइंग सिस्टम है। जब गाड़ियां चलते चलते ट्रैक ख़राब हो जाती है तो उसे बदलने का काम दो तरीक़ों से होता है, एक मैनुअल यानी कि लेबर के द्वारा और दूसरा मशीन के द्वारा। तो मशीन में भी दो प्रकार के मशीन है, एक TRT है जो फुल्ली ऑटोमेटिक होते हैं, उसमें मैन पावर बहुत कम होता है। दूसरा PQRS प्लासर क्विक रिलेइंग सिस्टम है, इसमें मैन पावर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। आइए अब इसके कार्य प्रणाली को देखते हैं। इसे कार्य करने के लिए सर्वप्रथम ट्रैफिक ब्लॉक और पावर ब्लॉक दोनों की आवश्यकता होती है। ट्रैफिक ब्लॉक में गाड़ियां नहीं चलाई जाएंगी और पावर ब्लॉक में OHE को काट दिया जाता है, क्योंकि ये ऊपर उठ के चलती है तो जिसके कारण कि OHE से नज़दीक हो जाने के कारण किसी तरह का खतरा ना हो, इसलिए पावर ब्लॉक लिया जाता है। PQRS दो मशीनों का एक सेट होता है, जो कि रेलवे पटरी के बगल में एक और पटरी लगा दिया जाता है, जिस पर यह आराम से आगे पीछे होकर अपना कार्य करती है। उसी आर्टिफिशियल ट्रैक पर यह चलते रहती है। इसके आगे पीछे BFR लगा होता है, जिस पर रेलवे के ट्रैक्स रखे रहते हैं। 13-13 मीटर के रेल के टुकड़ों को स्लीपर्स PRC स्लीपर्स में जड़ दिया जाता है और उसे क्रेन की मदद से ट्रेन पर लोड कर दिया जाता है, जहां इसका लोडिंग स्टेशन होता है। वहां से ये ट्रेन के सहारे चलकर वर्किंग स्टेशन, जहां पर काम करना होता है, वहां पर पहुंचता है और फिर ब्लॉक होने के बाद PWI और भी सारे इंजीनियरों के देखरेख में यह काम करता है। सभी मशीनों पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेटर्स बैठे होते हैं और यही ऑपरेट करते हैं। ये सबसे पहले पुरानी पटरियों के 13 मीटर के टुकड़ों को गैस कटर से काट दिया जाता है और उसको ये उठाकर उधर खाली पड़े BFR पर रख देता है। फिर ये नए स्लीपर्स के 13 मीटर के सेट को उठाकर उक्त स्थान पर ले जाकर रख देता है। ये काम करने के पहले लेबर के द्वारा वहाँ पर के सारे बैलास्ट यानी कि पत्थर को हटा दिया जाता है, जिससे कि इसके पटरी उठाने में आसानी हो और फिर रखने में रखा जाए। और पटरी रखने के बाद फिर उसे जोड़ दिया जाता है क्लैंप बोल्ट से। उसके बाद फिर आगे इसी तरह प्रक्रिया चलते रहती है, यही प्रक्रिया। ये मशीन अमूमन 4 घंटे 3.5 घंटे के ब्लॉक में 500 मीटर का काम कर लेती है। और इस पूरे सिस्टम को खींचने के लिए एक पावर यानी लोकोमोटिव्स की आवश्यकता होती है, और वो लोकोमोटिव्स डीजल लोकोमोटिव्स होता है, क्योंकि कार्य के दौरान उस सेक्शन की OHE बिजली काट दी जाती है, जैसे कि बिजली वाला लोकोमोटिव नहीं चल पाएगा, अतः डीजल को चूज किया जाता है। जब PQRS मशीन 13 मीटर के नए स्लीपर्स के सेट को उठाकर नीचे ट्रैक्स पर उचित स्थान पर रख देता है, तो फिर से सभी लेबर वहां पर बैलास्ट यानी कि पत्थरों को भर देते हैं और उस पर ट्रेनें फिर मशीन के साथ आगे बढ़ती है। इसी तरह से काम होते रहता है। काम पूरा होने के बाद PWI उस पूरा काम किया हुआ जगह का मुआयना करता है कि इस पर गाड़ियां चलने लायक है कि नहीं। उसके बाद कासन ऑर्डर जारी किया जाता है पहली गाड़ी के लिए और गाड़ियों का परिचालन किया जाता है। इसके बाद फिर गाड़ियां कासन के साथ चलते रहती है और फिर ट्रैक को नॉर्मल वर्क करने के लिए
मैनुअल और मशीन के द्वारा कई चरणों में पैकिंग की जाती है। धन्यवाद।